हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ एग बिरयानी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। तो आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने राइस लिया है, जिसको नॉर्मल पानी में 20 मिनट के लिए मैंने भिगो के छान लिया है। 6 से 7 बॉयल किए हुए एग, 2 प्याज लंबे कटे हुए और आधा नींबू, 2 बड़े चम्मच दही, पिंच ऑफ केसर जिसको 15 मिनट के लिए मैंने मिल्क में भिगो दिया है, 1 कटा टमाटर, 4 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, मैंने 6-7 लहसुन और 2 इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। अभी यहाँ पर मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 4 इलायची, 2 लाल सूखी मिर्च और 6-7 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग। यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म कर लिया है। कुकर के गर्म होते ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें कटा हुआ लंबा प्याज डाल रही हूँ। अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन कलर तक होने तक हम फ्राई करते रहना है। हमें मीडियम फ्लेम रखनी है और लगातार चलाते रहना है। तब तक हम बॉयल किए हुए अंडे पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बस हमें इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। याद रखना है, जब अंडे बॉईल करते हैं तो उसकी फ्लेम को हमें तेज रखना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है, ताकि अंडे फूटे भी ना और उसका छिलका भी आराम से निकल आए। प्याज को लगातार चलाते रहना है। जैसे इसका कलर गोल्डन होने लगे, वैसे हम इसको एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अभी हमने प्याज निकाल लिया है। इसी टाइम हम देख लेंगे, अगर तेल कम है तो और बढ़ा लेंगे। और तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें बॉईल किए हुए अंडे डालेंगे, जिसमें हमने नमक और हल्दी मिर्च लगाया था। चारों ओर इसको रख देंगे और इसको फ्राई करेंगे 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। कोशिश करेंगे इसमें कोई शार्प चीज़ ना लगाएं। जैसे इसमें ब्राउन स्पॉट आने लगे, वैसे हम इसको एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। यहाँ पर तेल पहले से ही गर्म है, इसलिए हम फ्लेम को कम रखेंगे और इसमें 1/2 चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें 1/2 चम्मच हम हींग डालेंगे। आप चुटकी भर हींग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम 2 तेज़पत्ता डाल रहे हैं। छह से सात काली मिर्च, 2 लाल सूखी मिर्च को तोड़ के डाल रहे हैं, 4 हरी इलायची डाल रहे हैं, 4 से 5 लौंग डालेंगे। हल्के से इसको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को कम रखेंगे और अभी हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पे लंबा कटा हुआ प्याज डाला हुआ है। अब यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। हमने जो अदरक और लहसुन को ग्रेट किया था, अभी हम वो डाल देंगे। लगभग 2 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते रहेंगे। लंबी कटी हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के लगभग हम दही डाल रहे हैं। फ्लेम को कम रखेंगे और लगातार हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, वरना दही फटने लगेगा ग्रेवी में ही। अभी हम यहाँ पे अंडे और चावल की लेयर्स लगाना शुरू करेंगे, इसलिए फ्लेम को हम कम रखेंगे और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने जो अंडे फ्राई किए थे, वो हम 4 से 5 कुकर के चारों ओर रख देंगे। यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि फ्लेम को कम होना है बिल्कुल, वरना जब तक हम लेयर्स लगाएंगे तब तक नीचे से मसाला जलने लगेगा। अभी हमने जो फ्राई किया हुआ था प्याज, उसको लेयर्स लगाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे कटा हुआ ऊपर से, 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पे घी डालेंगे, ताकि जब हम खोलेंगे तो उसकी स्मेल जो होगी घी की, बहुत ही अच्छी आने वाली है। अभी हम यहाँ पे चावल जो पानी में भिगोया था, उसको छाना हुआ था, उसकी लेयर्स लगाना शुरू करेंगे। हम 1/2 चावल लेंगे और कुकर के चारों ओर फैला देंगे और 1/2 बचा लेंगे। यहाँ पे फिर से हम 1 चम्मच के लगभग, 1 या 2 चम्मच के लगभग हम घी डालेंगे और जो अंडे फ्राई किए हुए थे, वो जितने भी बचे हैं वो कुकर के चारों ओर रख देंगे।
ऊपर से हरा कटा धनिया फिर से डालेंगे। अभी हमने जो केसर मिल्क में भिगोई थी वो डालेंगे। एक से दो चम्मच हम यहाँ पे केसर का पानी डाल सकते हैं जो हमने मिल्क के साथ भिगोया हुआ था। अभी जितना भी चावल बचा हुआ है भीगा हुआ वो हम यहाँ पे डाल देंगे और चारों कुकर में अंदर फैला देंगे। फिर से हम कटा हुआ प्याज डालेंगे फ्राई किया हुआ। थोड़ा सा नमक ऊपर से फिर से हम डालेंगे। नीचे एक बार हम डाल चुके थे, अभी ऊपर से थोड़ा सा और डालेंगे। फिर से हम यहाँ पे एक से डेढ़ चम्मच तक घी डालेंगे। हरी कटी मिर्च डालेंगे जिसको मैंने लंबा काटा हुआ है। एक से डेढ़ चम्मच तक हम नींबू का रस डालेंगे। अभी हरा कटा धनिया डालेंगे और जितना भी केसर का पानी जो हमने मिल्क में भिगोया था वो सब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आधा ग्लास पानी डालेंगे। ध्यान रखना है पानी चावल के ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा। और लीड को बंद करेंगे और दो सीटी लगाएंगे। सीटी लगने के बाद प्रेशर निकलने के बाद हमें इसको ध्यान से खोलना है। फिर से हम एक से डेढ़ चम्मच तक हम घी डालेंगे। इसकी स्मेल से ही आपको इसका टेस्ट का अंदाजा लग जाएगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो जल्दी से फटाफट प्लेट में सर्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको बूंदी के रायते के साथ सर्व करने वाली हूँ और बूंदी के रायते की टेस्टी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी दे रखी है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।